आजकल मार्केट में तसर सिल्क का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा मांग है। तो ऐसे में तसर सिल्क से आप जुड़ सकते हैं और अच्छी खासी आमदनी भी कमा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी कि तसर कीट संचारण के पूर्व कीट प्रबंधन कैसे करें। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि तसर जो कीट पालन आप लोग करते हैं उसमें संचरण से पूर्व कीटों का प्रबंधन कैसे करें जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन हो। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका तसर का जो उत्पादन का कार्य आप करते हैं, इस समय सबसे अच्छा समय है कि आप अपने खाद्य पौधे जो हैं, जो अर्जुन आवासन के पौधे हैं, वहाँ पे खरपतवार को हटाने का कार्य सबसे पहले आप करें, क्योंकि अगर वहाँ पे दूसरे ऐसे कीट जो कि आपके कीट जो खाद्य पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसे कीट अगर वहाँ पे विद्यमान रहते हैं तो आपके तसर खाद्य पौधों की पत्तियों को बहुत व्यापक तरीके से वो लोग प्रभावित करेंगे। दूसरा बिंदु आता है कि अगर आप खरपतवार अपने खेत में पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं, इसके बाद जो अप्रैल मई का महीना होता है यह सबसे उचित होता है कि आप अपने जो खाद्य पौधे हैं उसकी देखभाल प्रारंभ कर दें। उसमें क्या है कि अब आगे आने वाले दिनों में बरसात होगी, उससे पूर्व प्रति पौधे की दर से लगभग 2 किलो आप वर्मी कंपोस्ट हो या कंपोस्ट खाद है प्रति पौधे की दर से आपको दे देना है। इससे क्या होगा कि अगर वर्मी कंपोस्ट आप दे देते हैं तो पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि अभी आपके कीटपालन प्रक्षेत्र में नई पत्तियाँ आना प्रारंभ हो गई हैं। इन नई पत्तियों को दूसरे शत्रु कीटों से कैसे बचाएँ, इसके लिए हमारे संस्थान द्वारा 2 तरह की तकनीकी है। पहला तकनीकी क्या है कि हम उसमें रोगर का छिड़काव करते हैं पत्तियों पे, जिससे रोगर के छिड़काव से हमारा काफ़ी हद तक उसकी पत्तियों को दूसरे शत्रु कीट नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दूसरा एक अभी तकनीकी आई है जो स्टम एप्रिड है, 0.02% स्टम एप्रिड का छिड़काव भी पत्तियों से 2-3 से 3 बार करते हैं, जिससे जो है दूसरे कीट उन पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और जुलाई के महीने में जब आप रेयरिंग का प्रारंभ करेंगे तो उस समय तसर का कीट पालन आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जब आप रेयरिंग का कार्य किसान भाइयों प्रारंभ करेंगे उसके पहले खरपतवार को हटाना प्लस आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई का कार्य करना, चाकी नायलॉन नेट का प्रयोग, क्योंकि अगर आप जो छोटे शिशु कीट हैं उनके लिए चाकी नायलॉन नेट का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से नायलॉन नेट के प्रयोग के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि नायलॉन नेट का जब आप प्रयोग कर रहे हैं उस समय पे आप जो छोटे कीट हैं उनको आप नुकसान से बचा सकते हैं। पहले जहाँ पर आप जिस कीट पालन प्रक्षेत्र में आपने प्लान किया है कि यहाँ पर हम रेयरिंग का कार्य करेंगे, वहाँ पर आप पौधों के आसपास देख लें, दीमक का प्रकोप अगर है तो दीमक का प्रकोप वहाँ से हटाने का कोशिश करें। दूसरा क्या है कि अभी एक रिकमेंडेड है कि नीम की खली लगभग 0.5 किलो प्रति पौधे की दर से अगर देते हैं तो वहाँ भी काफ़ी मात्रा में आप शत्रु कीटों को कम कर सकते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि प्रायः देखा गया है कि जो झारखंड में जो हमारी सॉयल है, जो हमारी मिट्टी है, वो प्रायः एसिडिक होती है। एसिडिक मिट्टी होने के कारण और यहाँ पे दीमक का प्रकोप पौधों में बहुत होता है, 3 से 4 फीट तक वो मिट्टी को प्लस उसके साथ बार्क ईटर्स होता है वो पौधे को नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं कि दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए जला हुआ मोबिल जो होता है उसको 2 से 3 फीट तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी जले हुए मोबिल ऑयल से रंग देते हैं, जिससे काफ़ी हद तक ये ऐसे कीटों से हमको नुकसान जो होता है उससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ जो कीटपालन प्रक्षेत्र है उसकी तैयारी के पूर्व हम लोगों को क्या करना है कि 9 भाग चूना और 1 भाग ब्लीचिंग लेकर के उसका छिड़काव हमको कीटपालन प्रक्षेत्र में करना है रेयरिंग से 15 दिन पूर्व। लेकिन किसी भी ऐसे कीटनाशी का प्रयोग रेयरिंग प्रारंभ करने से 20 दिन से पहले अगर आपको नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि ऐसे जो कीटनाशी हैं वो हमारे तसर कीट को भी नुकसान पहुंचाएंगे और उत्पादन एवं उत्पादकता बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो किसान भाइयों, हम मुख्यतः आपको 2-3 मुख्य बातें बताना चाहेंगे जिसका आपको जो कीटों के संचरण के पूर्व बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि कीट पालन प्रक्षेत्र के आसपास साफ सफाई का कार्य, अच्छी पौधों की पत्तियों की बढ़वार हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पौधे की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आप गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट प्रति पौधे की दर से 2 किलो का इस्तेमाल जरूर करें।
जो कीट पालन प्रक्षेत्र है उसमें 9 भाग चूना 1 भाग ब्लीचिंग लेकर के उसका छिड़काव रेयरिंग के पूर्व अवश्य करें। और साथ ही साथ जो अभी DFLs आप लेंगे, डिजीज फ्री लेंग्स जो लेंगे, उसमें अच्छे गुणवत्ता वाला बीज आपको चयन करना है और उसका एक सही तरीके से जो तापमान होता है इनक्यूबेट करने का 26 प्लस माइनस 2 मतलब 26-28 डिग्री तापमान हो, प्लस 60-70% आर्द्रता हो, ऐसे स्थान पर रखना है जिससे अगर उन अंडों का इनक्यूबेशन सही तरीके से होगा तो आने वाले दिनों में आप उनसे अच्छे से अच्छा हैचिंग होगा और आपको उत्पादन बहुत अच्छा होगा। तो आने वाले दिनों में आपको सबसे बड़ा मई से जून के महीने में आपको क्या है कि शत्रु कीटों से अपने कीट पालन प्रक्षेत्र में जो पत्तियां हैं उनको बचाना है। साथ ही ऐसे कीट जैसे मई जून में एक बिटल्स आता है वो भी नुकसान पहुंचाता है, उनसे भी आपको बचाने का कार्य आपको करना है, देख रेख करना है। कीट पालन प्रक्षेत्र में जितने भी शत्रु कीट होंगे, जितने कम संख्या में होंगे, उससे उसी उस दशा में आपको अपने कीट पालन के लिए अच्छे से अच्छे पत्तियाँ खिलाने का अवसर रहेगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो आने वाले दिनों में आप लोगों को यही है कि हमारे संस्थान द्वारा जो भी रिकमेंडेड तकनीकी है उसका प्रयोग करें। हमारे यहाँ जो रिकमेंडेड जैसे जीवन सुधा का प्रयोग है उसका भी छिड़काव पत्तियों पे किया जाता है, LSM का प्रयोग किया जाता है रेयरिंग के दौरान। इन सारी तकनीकियों का प्रयोग अगर आप करते हैं किसान भाइयों तो अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और इस संबंध में कोई भी प्रशिक्षण आपको चाहिए तो हमारे संस्थान में भ्रमण करके आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद।